तो आज ट्रिग्नोमेट्री की ये फाइनल क्लास है जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब दोनों ही चैप्टर चैप्टर 8 और चैप्टर 9 इसका सॉल्यूशन पार्ट डिस्कस करेंगे। और ये एक टेस्ट का सॉल्यूशन है जो 22 मई को लिया गया है। और इस टेस्ट का सॉल्यूशन चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से बिगिन करेंगे। सबसे पहले तो आप ये तीनों आइडेंटिटीज याद कर लें क्विकली। पहली आइडेंटिटी आपने पढ़ा है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, और इसको आपने 1 के इक्वल पढ़ा है। हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है, आपको याद आ गया होगा। सेकंड आइडेंटिटी हमने पढ़ी है 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, और ये इक्वल होता है sec स्क्वेयर थीटा के, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी भी आपको याद आनी चाहिए, और वो आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वेयर थीटा, और ये होता है किसके इक्वल, cosec स्क्वेयर थीटा के इक्वल, ठीक है। तो दीज आर थ्री आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ रखी है, जिनका यूज हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। और रदर हम लोग पूरा चैप्टर 8 चैप्टर 9 दोनों का ही दोनों पर ही काम कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए आगे काम करते हैं और डिस्कस करते हैं इन आइडेंटिटीज पर। तो ये पहला आप क्वेश्चन यदि आप देखें तो यहाँ पे इस 1 को इधर भेज के देखिए आप, यदि आप इस 1 को राइट साइड भेजते हो तो क्या होगा। इस 1 को बोल रहा हूं मैं राइट साइड भेजने को, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही तो होगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऑब्वियसली ये इक्वल आ चुका है tan स्क्वायर थीटा के। सिमिलरली आप एक काम करें, इस 1 के पास लेके आए cosec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर को उधर भेजें, तो 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा मुझे मिल रहा है माइनस के साथ cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए आपको, हो गया होगा। अब ये माइनस मैं क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास अब बचा tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विद cot स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप ये होगा कि आप माइनस बाहर करो और इसको आप लिख सकते हो tan थीटा मल्टीप्लाइड विद cot थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो। और tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, क्योंकि cot को 1/10 लिखेंगे कट जाएगा, तो ये 1 होता है। तो माइनस और ये 1 का स्क्वायर आप लिखोगे और अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया -1, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप यहाँ पे सही कर लें, ठीक है। तो आप में से कई लोगों ने अच्छा किया है, रदर सब ने ही अच्छा किया है, फुल स्कोर भी हुआ है इस टेस्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऋतुराज ने फुल स्कोर किया है, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। आगे काम करते हैं, नेक्स्ट टेस्ट में भी आप ऐसा करें, इस टाइप से हम लोग काम करते रहेंगे और ऐसे ही टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं, सिंपल काम कर दें, साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजें, राइट साइड भेजें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, या वाइस वर्सा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा रख सकते हैं। ये फर्स्ट रिलेशन हमें मिल गया गिवन से। अब ये जो हमें निकालना है उसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस की पावर 4 थीटा को आप लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा काम कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। इसके बाद का स्टेप, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो आप साइन थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह भी लिख दो साइन थीटा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अभी अभी आपको गिवन है ये, तो गिवन कितना है, 1 गिवन है, तो ये 1 रख दो आप, तो 1 इज योर आंसर। तो यहाँ पे बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा स्पीड से हम करते चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा वो मैं आपको याद दिलाऊं, ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको याद आनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको याद आएगी। मैं लिख रहा हूं, ध्यान दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab मल्टीप्लाइड विद ए प्लस बी। और सिमिलरली नीचे आप लोग यूज करिए दूसरी आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 times a into b, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटीज किस तरीके से यूज होंगी वो मैं इंडिकेट कर दूं। सबसे पहले तो इस आइडेंटिटी का मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी से आप निकाल लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या मिलेगा, ऑब्वियसली ए प्लस बी का होल क्यूब तो है ही आपके पास, 3ab into a plus b कहां चला जाएगा, इसी साइड आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्म मैं यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है।
यानी पहली आइडेंटिटी तो मुझे ये मिलने वाली है, इसका यूज करने वाला हूं मैं, फर्स्ट आइडेंटिटी से डिराइव किया जिसे मैंने। सिमिलरली यहां से मैं एक और आइडेंटिटी डिराइव करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या दे रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रहा है और माइनस का 2ab। प्यारे बच्चों तो इसका यूज भी हम लोग करेंगे, तो ये सेकेंड फॉर्म है जिसका मैं यूज कर रहा हूं। क्या बनने वाला है इसको, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये होगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है, और यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक। सिमिलरली यहां आगे बढ़ाओगे तो इसमें क्या मिलेगा, 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और साथ ही साथ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये आपको यहां से मिल जाएगा। इतना समझ गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला पोर्शन आपको आगे क्या देने वाला है वो देखो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला आइडेंटिटी मैं लगाता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए की जगह मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह मेरे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब करना है, ये होल क्यूब कर दो आप, ठीक है। माइनस का 3 टाइम्स, ए की जगह क्या लिखोगे, ए की जगह आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या लिखोगे, बी की जगह आपको लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा, 3ab हो गया, और ए ए की जगह ऑब्वियसली साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आराम से देखते चलो, और पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हो आप यदि आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है, चैप्टर 8 में आपने ये क्वेश्चन पहले भी किया है। -3 आगे इसको बढ़ाते हैं और ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी यहां पे आप लगा रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, ठीक है, कर दिया। माइनस का 2ab, ए की जगह ऑब्वियसली क्या रख दो, साइन स्क्वायर थीटा, सो ऑब्वियस, और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपको मिल गया दूसरा पार्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा रिस्पेक्टफुली करते चलना। इस पोर्शन को मैं 1 का क्यूब यानी 1 बोल दे रहा हूं, सिमिलरली इस पोर्शन को 1 डायरेक्ट बोल दे रहा हूं मैं, आप अगले स्टेप में बोलो, इस पोर्शन को 1 का स्क्वायर यानी 1 बोल देता हूं मैं, तो अब क्या मिलेगा, 2 टाइम्स 1 का क्यूब यानी 2 टाइम्स 1, 2 मिल गया। अगला स्टेप क्या होगा, 2 3 6, 6 sin² θ cos² θ, ठीक है। आप प्रॉपरली लिखते हुए सभी फार्मूला लगाते हुए करो, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको सोल्यूशन का। यहां पे -3 × 1 -3 आ गया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 3 × 2 = 6, और आगे क्या लिखा हुआ है, sin² θ × cos² θ। अब सिंपल, ये पूरा पोर्शन और ये पोर्शन कट जाएगा, 2 - 3 होता है -1, तो यहां पे आपका आंसर है -1 यानी ए पार्ट। इसे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को तभी आप कर पाओगे जब आप 10 45 जानते हो 1 cos 60 sin 30 के इक्वल यानी 1/2, और sin 60 की वैल्यू आपको पता हो जो कि होती है √3/2, cot 60 tan 60 का रेसिप्रोकल यानी 1/√3, तो ये सब पता होना चाहिए आपको, तो ऑब्वियसली पता है, अब तक आपने बहुत काम किया है, 1/2 1/2 कैंसिल, तो एक्स कितना आ गया, 1 आ गया, तो डायरेक्ट आप 1 लगाएं और आगे बढ़ें, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ करते हैं, इसमें बोला गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे A और B एक्यूट एंगल है, तो ये एक्यूट है और ये एक्यूट है, तो फिर सी 90 होना चाहिए, सीधी सी बात। अब यदि A इसको मान रहे हो आप, तो B कितना होगा, A और B का सम भी 90 होगा, क्योंकि ये अकेला 90 तो बाकी के दो बचे 90, तब तो तीनों 180 हो पाएंगे। तो यदि A को आपने A ही मान लिया, तो B को क्या मानना पड़ेगा, 90 - A, तो चलो यहां लगा देते हैं साइन स्क्वायर A, और साइन स्क्वायर बी की जगह बी की वैल्यू आप रख दो, कितनी रखोगे, 90 - A रखोगे, ठीक है। अब साइन 90 - θ याद है क्या आपको, साइन 90 - θ बिल्कुल याद होना चाहिए भाई, क्या होता है साइन 90 - θ, कॉस थीटा होता है, तो यहां से आप इसको कॉस ए लिख दोगे, और स्क्वायर था इसलिए यहां भी स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी ये आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बस सिंपली आप यहां पे लिख दो 1। तो ये भी एक अच्छा प्यारा क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट यानी 1। इसे करते हैं,
इसमें मैं कॉस को बदलना चाहूंगा, तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, लेकिन ये कॉस स्क्वायर है तो यहां भी मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, और साथ में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 73। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क में मिलता है एग्जाम में, जनरली 1 मार्क में ही मिलना चाहिए ये। और ये हो जाएगा अगला स्टेप साइन स्क्वायर, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में 7 3, 9 में 2 7, तो ये 73 ही आ रहा है। तो दोनों तरफ सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, और जब सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है तो क्या आता है, 0 आता है, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन, ऑल राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, बस मैं ये चाह रहा था कि आप लोग अच्छे से अपियर करें, और आपने अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा इस बार आप लोगों के टेस्ट के अपियरेंस को देखकर। यहां बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 1 बाय कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो ये 1 बाय कॉस आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये आगे लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपको फिर से फर्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं जहां पे मैंने आपको बताया है फार्मूला, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। ठीक, अब यहीं से यदि मैं आपसे कहूं कि 10 को आप इस साइड भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस बच्चों ये 1 दे रहा है आपको, यहां पे ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद है आपको 1 होता है, और नीचे का जो पोर्शन है वो अभी अभी मैंने प्रूफ किया कि 1 है, तो 1 बाय 1 क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 और इसका आंसर भी 1, दोनों 1 आ गए। चलिए नाइन्थ करते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हमें याद है, अब तक तो याद हो गया होगा आप सबको भी, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या कर दोगे, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों में स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। तो ये sec थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। इसे करते हैं, साइन 40 को मैं लिख सकता हूं, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 40 को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 40, साथ ही साथ लिखा हुआ है sec 50, ऑल राइट। फिर आगे देखो तो कॉस 40, कॉस 40 को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, बदल सकता हूं, तो बदल देता हूं मैं, कॉस को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस 40, ठीक है, ये समझ गए होगे क्यों किया गया ऐसा। और ये फार्मूला जो भी मैं यूज कर रहा हूं राइट साइड आपको लिखना है, ये दिमाग में बैठा हो, मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस भी कम है और मुझे क्विकली समझाना है, आपको अच्छे से ये पूरा सॉल्व करके रखना है। और इतने सारे मैंने क्वेश्चंस करा दिए, हर चीज आप कर लोगे प्यारे बच्चों, तो बस इतना ही हमें पढ़ना होता है और इसी तरीके से हमें पढ़ना होता है। तो कॉस 50 आ गया, ये आ गया sec 50, दोनों थीटा सेम दिख रहे हैं आपको, यहां भी आ गया sin 50 और आगे आ गया cosec 50, ये भी दोनों थीटा सेम दिख रहे हैं। तो क्या पढ़ा है आपने, cos थीटा इंटू sec थीटा या sec थीटा इंटू cos थीटा क्या पढ़ा है, 1 पढ़ा है, sin थीटा इंटू cosec थीटा ये भी 1 पढ़ा है, तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो ये सही हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल लगा दिया मैंने, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप यहां पे देख लो क्या पढ़ा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा पढ़ा है, तो बस इसको लगा देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को, तो ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विद कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये मिल गया आपको, और ये क्या होगा, साइन इंटू कॉसेक, यही तो हो गया ना, साइन इंटू कॉसेक थीटा और लगा लो और इसका होल स्क्वायर लगा दो, तो साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कॉसेक, अब जब आपको कुछ ना दिखे रिजल्ट तो आप इन सबको बदल दो, साइन कॉस में बदल दो, कॉसेक को मैं लिख सकता हूं 1 बाय साइन, कॉस को ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस कॉस ही रहने दो, अब आगे भी बदलो आप, इस कॉसेक को लिखो 1 बाय साइन और आप कॉट को लिखो कॉस बाय साइन, ठीक है, ऑल राइट, इतना समझ गए होगे आप। अब यहां पे प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही है कि ये दोनों जगह साइन है, अब यदि ये दोनों जगह साइन है तो आप इस साइन को बाहर ले लो, तो 1 डिवाइड बाय साइन और एक साइन और बाहर आ गया, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यहां आ गया 1 प्लस कॉस थीटा और साथ ही साथ इधर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा कर सकते हो आप, बाकी एलसीएम भी लेके कर सकते हो। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, तो मेरे पास आ गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा ही तो होता है, यानी आपको क्या मिल गया, ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा
और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हुआ। और ऊपर नीचे दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आप इसे कट कर सकते हो, क्या मिलेगा कट करके, ऑब्वियसली वन मिलेगा, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो अब आपको इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, हालांकि आपने सबने अच्छा किया है, पर फिर भी फुल स्कोर तो सब नहीं कर पाए। तो अब देखो, अब आपको फील होगा कि यार कितने इजी क्वेश्चन थे, तो जो गलतियां हुई हैं उनको आप दोबारा कमिट ना करो। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा था, इसमें क्या करना था, एक तो साइन स्क्वायर ए को अलग करना था और हमें साइन स्क्वायर ए के साथ कॉसेक स्क्वायर ए को अलग लिख देना था, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली यहां पे हमें करना था कॉस स्क्वायर ए को अलग, और बचा कितना, फिर कॉस स्क्वायर ए बचा, तो उसको हमें लिख देना था सेक स्क्वायर ए के साथ। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये तो साइन इंटू कॉसेक का होल स्क्वायर हो गया, कॉस इंटू सेक का होल स्क्वायर हो गया, तो ये तो वन होता है ना, साइन इंटू कॉसेक वन होता है, तो वन का स्क्वायर भी तो वन ही होगा, तो ये साइन स्क्वायर ए इंटू वन आ गया, आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा देना, कॉस स्क्वायर ए इंटू वन आ गया, आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा देना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मैं तो डायरेक्ट वन लिख रहा हूं, और ऑप्शन नंबर बी आपका मिल गया आपको। हाँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, आपको कन्वर्ट करना होगा, जैसे कॉट है तो कॉट को आपको लिखना होगा कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। अब जैसे कि आपके पास कॉस ए के है तो इसको आपको लिखना होगा वन बाय साइन ए, ठीक, ये काम आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको आगे का कन्वर्जन भी करना पड़ेगा, वन प्लस टेन ए को आपको लिखना होगा साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, तो आप ये लिखते चलें साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। इसी तरीके से सेक ए को आपको लिखना होगा वन डिवाइड बाय कॉस ए, ये काम किया आपने, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, यहां पे हमें साइन ए ले लेना है कॉमन, या फिर आप बोलें साइन ए ले लेना है एलसीएम। साइन ए यदि आपने एलसीएम लिया तो ये वन का डिवाइड होगा साइन ए में, फिर वन का वन में साइन ए का इंटू होगा, यही एलसीएम में करते हैं हम। बचा क्या, कॉस ए बचा इधर, और साथ ही साथ क्या बचा, साथ ही साथ ये माइनस वन बचा, इसे आप पूरा ब्रैकेट में रख सकते हो। अगला स्टेप, यहां पे आप कॉमन ले लो, या फिर आप कहो एलसीएम लेना बोलो, कॉस ए एलसीएम ले लो, यहां पे वन आएगा डिवाइड में, तो वन का डिवाइड करेंगे कॉस ए में तो कितना बचेगा, कॉस ए, और इसलिए हम इस वन में किसका इंटू कर देंगे, कॉस ए का, यही करते थे एलसीएम में। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, कॉस ए में कॉस ए का डिवाइड होगा, वन आएगा, वन का इंटू साइन ए में तो साइन ए ही आएगा। अगले स्टेप में भी यही होगा, वन का कॉस ए बाय कॉस ए वन आता है, वन का इंटू करोगे वन आएगा। अब यहां पे एक बहुत सिंपल और बहुत प्यारी चीज हो गई है, वो ये हुई है कि ये साइन ए प्लस कॉस ए मिलके ए बना रहा है और ये माइनस वन, और ये साइन ए और कॉस ए ही तो है प्लस में, तो यहां पे आपको क्या मिल गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो होता है ए का स्क्वायर, यानी साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर माइनस में, तो माइनस वन हो गया। और डिवाइड में कितना, डिवाइड में बेटा साइन ए इंटू कॉस ए, डिवाइड में साइन ए मल्टीप्लाइड विद कॉस ए, इतना आपको मिल गया, ये भी समझ में आया होगा। अब अगला स्टेप हम क्या करते हैं, हम यहां पे ओपन कर देते हैं इसको, तो ये ओपन होके आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए और माइनस का वन, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस ए, मल्टीप्लाइड में है ये, ठीक है, इतना समझ गए होगे आप। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूं यहां पर आप लोग ना करें, आप लोग उसको डिटेल से ही करते रहें। डायरेक्ट मैं ये करूंगा कि मैं इस पोर्शन को वन लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को, और इससे काट दूंगा। अब बचा क्या, अब बचा टू साइन ए कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए कॉस ए, इतना बचा, जिसमें से साइन ए कॉस ए कट गया, तो अल्टीमेटली टू बचा मेरे पास, और टू कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, और इस क्वेश्चन को करने से पहले ये दो फार्मूला आपको याद आने चाहिए, एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का याद आना चाहिए, और दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का याद आना चाहिए। मैं याद दिला दूं, पहला ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, और अंदर मल्टीप्लिकेशन में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, शायद आपको याद आया हो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, नहीं याद आया तो अब याद कर लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, और अंदर सिर्फ बीच में साइन प्लस का आ जाता है, और बाद मतलब पूरा प्लस रहता है हर जगह,
ये फार्मूला आपको दोनों याद करने हैं और इन्हीं का यूज करना है यहाँ पे। चलो यूज कर दो जल्दी से। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी करना है, कॉस ए प्लस साइन ए हो गया। और अंदर क्या करना है, और अंदर करना है ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, प्लस बी का स्क्वायर पहले चाहो तो लिख दो साइन स्क्वायर ए पहले दिख जाएगा, माइनस का ए भी बाद में लिख देते हैं, पहले भी लिख सकते हैं कोई इशू नहीं है। तो माइनस का कॉस ए इंटू साइन ए, माइनस का ए भी दिख गया हमें। डिवाइड में क्या दिख रहा है यहाँ पूरे के, कॉस ए प्लस साइन ए, तो क्या कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल नजर आ गया होगा। इन दोनों को आप कट कर सकते हो, किने इन दोनों को, तो चलो काट देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ इसके बाद आगे का देखते हैं, आगे का इसे क्या लिख सकते हो आप, कॉस ए माइनस का साइन ए, ठीक है लिख दिया हमने। फिर आगे क्या लिख सकते हो, ए का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा रहे हैं हम, ठीक है ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, मैं चाहूँ तो बी का स्क्वायर पहले लिख दूँ, ए बी बाद में लिख दूँ, तो साइन स्क्वायर ए लिख दो पहले, और प्लस ए बी यानी प्लस कॉस ए साइन ए, ये आप यहाँ पे लिख दो, प्लस कॉस ए और इंटू साइन ए, नीचे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। और डिवाइड में क्या है बच्चों, डिवाइड में आपके पास क्या है देख लो, डिवाइड में है कॉस ए माइनस साइन ए, तो क्या आपको लगता है कि कुछ कट रहा है यहाँ पे, बिल्कुल आपको दिख गया होगा ये पूरा इस पूरे से कट रहा है। अब बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यानी वन बचा, माइनस कॉस ए साइन ए, ठीक है। ये बीच में साइन कितना है, प्लस का साइन है, ये भी ध्यान रखें, और ये कितना कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वन आया, और प्लस का कॉस ए और इंटू साइन ए, ये इधर आ गया, ये कॉस ए साइन ए और ये कॉस ए साइन ए कट गया है। वन प्लस वन कितना होता है, टू होता है, तो टू इज योर आंसर, बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर, यहाँ पे बी पार्ट सही है। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ अब, ठीक, टेन फिफ्टी थ्री, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट नाइनटी माइनस फिफ्टी थ्री, और कॉट नाइनटी माइनस फिफ्टी थ्री होता है कॉट थर्टी सेवन, तो ये दोनों कट गए। फिर अगले स्टेप में कॉट एट्टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन नाइनटी माइनस एट्टी यानी टेन टेन आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या, टू माइनस वन बचा जो कि वन होता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप पूरा रिस्पेक्टफुली करते हुए काम करो। सेवनटीन करना है, सेक सेवनटीन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक नाइनटी माइनस सेवनटीन जो कि आएगा कॉसेक सेवनटी थ्री, ये कट गया, वन आ गया इधर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट नाइनटी माइनस थीटा, यानी टेन सिक्सटी एट को लिख सकता हूँ कॉट नाइनटी माइनस सिक्सटी एट जो कि कॉट ट्वेंटी टू आएगा, ये दोनों कट गए, यहाँ वन आ गया। अब इस कॉस स्क्वायर फोर्टी फोर को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर नाइनटी माइनस फोर्टी फोर, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फोर्टी सिक्स, तो क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर फोर्टी सिक्स प्लस कॉस स्क्वायर फोर्टी सिक्स यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी प्यारे बच्चों वन आएगा। तो तीन बार वन आया मतलब वन प्लस वन प्लस वन, थ्री इज योर आंसर, डी पार्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए एटींथ क्वेश्चन करते हैं, कॉस सेवेंटी फाइव है जिसे मैं लिख दूंगा साइन नाइनटी माइनस सेवेंटी फाइव, यानी ये भी आ जाएगा साइन फिफ्टीन, दोनों कट गए। यहाँ पे साइन ट्वेल्व है जिसे मैं लिख दूंगा कॉस नाइनटी माइनस ट्वेल्व यानी कॉस सेवेंटी एट, दोनों आ गए, ये भी वन आ जाएगा। अगला स्टेप, कॉस 18 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 18 यानी साइन 72, दोनों कट गए, तो ये दोनों कट के वन वन कट गए, बचा वन, तो वन इज योर करेक्ट आंसर, यानी बी पार्ट यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 19th क्वेश्चन करते वक्त आप एक चीज याद रखो, इसका यूज करो, कैसे यूज करोगे, आप बोलोगे कि टेन थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा है आपका 4/3 के इक्वल, टेन थीटा 4/3 आ गया। अब टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो यहां पे परपेंडिकुलर कितना आया 4 आया और बेस कितना आया 3 आया, ये हुआ। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि आप यहां से हाइपोटेन्यूज निकाल लो, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 कितना आ जाएगा 5, तो यहां से साइन थीटा बता दो आप कितना होगा, साइन थीटा हमेशा से हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा हो जाएगा 4 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी 5, 4 डिवाइड बाय 5 आपका साइन थीटा आ गया, तो 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 5 ये हो गया, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 5, ये दूसरा स्टेप हो गया। अगला आगे का काम करते हैं, ठीक है, अंडर रूट पूरे में है ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा एलसीएम लोगे
यहाँ एलसीएम लोगे तो ऊपर आपको मिल रहा है 5 और यहाँ मिलेगा बेटा 5 माइनस 4। ये समझ गए होगे, एलसीएम लिया मैंने, नीचे भी मैंने एलसीएम 5 लिया तो ये कितना हो गया 1 5 5, तो 5 प्लस 4, तो यहाँ से ये 5 कट गया, मुझे कितना मिल रहा है ये देखो आप, 1/9 अंडर रूट में, तो यानी 1 का अंडर रूट तो 1 होगा, 9 का अंडर रूट 3 होगा, तो 1/3 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। इसे करते हैं, यहाँ पे टेन 5 को, टेन 10 को और टेन 15 को आप कॉट में बदलो, बाकी को मत बदलो, तो टेन 5 कॉट में कितना होगा, कॉट 90 माइनस 5 यानी कॉट 85 होगा। ठीक है, ऐसे ही टेन 10 कितना होगा कॉट में, टेन 10 हो जाएगा कॉट 90 माइनस 10 यानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉट 80 होगा, और ये टेन 15 कितना होगा, ये होगा कॉट 90 माइनस 15 यानी ये होगा कॉट 75। अब ये टेन 75 कॉट 75 के साथ रख दो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लीकेशन ही है, टेन 85 कॉट 85 के साथ रख दो और टेन 80 आप कॉट 80 के साथ रख दो, तो ये तीनों मिलके क्या दे रहे हैं, 1, ये भी 1, सॉरी ये भी 1, तीनों ही 1 दे रहे हैं, तो 1 × 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा, यानी आपका सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कर पाएंगे, इतना इजी है, सिंपल टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लगाया 1 पाने के लिए और कन्वर्ट किया। हालांकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में भी आ सकता है, जनरली 4 में नहीं आता, 2 या 3 में आता है, तो इसमें पूरा दिखाना पड़ेगा आपको कन्वर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं डायरेक्ट करने का प्रयास करूंगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये आ गया सेक थीटा इंटू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा मैं लिख देता हूँ, 10 कॉट 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा, तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस साइन स्क्वायर 35 को आप साइन स्क्वायर 35 ही रहने दो, लेकिन साइन स्क्वायर 55 को मैं चाहूंगा आप कॉस में बदलो, तो कॉस 90 माइनस 55 ये होता है, कॉस 90 माइनस 55 35 होता है। ठीक है, इसको मैं 1 लिखने वाला हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, पहले क्वेश्चन से हम यूज कर रहे हैं 1, इसकी वैल्यू 10, 10 को मैं cot 80 लिख दूंगा, cot 80 और ये 10 80 1 हो जाएगा, 10 20 को मैं cot 90 माइनस 20 यानी कॉट 70 लिख दूंगा, ये 1 हो जाएगा, 10 45 1 होता ही है, तो नीचे पूरा 1 आ गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड में 1, 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 यानी 2 डिवाइड में 1 यानी 2 इज द करेक्ट आंसर, सी पार्ट यहां पे हो जाएगा। ठीक है, इसे करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रेशनलाइज करना है दोनों ही टर्म को, यानी इसे भी रेशनलाइज करना है, कैसे करेंगे, कॉसेक थीटा प्लस 1, नीचे क्या लिखा हुआ है बस आप ये देखो, नीचे लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस 1, यानी ऊपर भी इंटू करना है किस चीज का, ऊपर भी इंटू करना है कॉसेक थीटा प्लस 1 का और नीचे भी इंटू करना है कॉसेक थीटा प्लस 1 का, यही होता है रेशनलाइजेशन स्टेप। हालांकि इसे रेशनलाइजेशन मत बोलना, क्योंकि रेशनलाइजेशन होता इस टाइप का है, पर यहां पर आप रेशनलाइजेशन नहीं कर रहे हो, यहां पे आप सिंपली कॉसेक थीटा प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये काम आपने यहां पे किया। ये वाला स्टेप भी मैं डायरेक्ट लिखने का प्रयास करूंगा, पहले तो समझा देता हूं आपको, यहां पे प्लस 1 है तो ऊपर नीचे कॉसेक थीटा माइनस 1 का इंटू होगा, ऊपर माइनस 1 का इंटू एक बार और होगा कॉसेक थीटा माइनस 1 का, तो मैं इसको स्क्वायर लिख देता हूं और नीचे क्या होगा ये भी मैं डायरेक्ट लिखता हूं, कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होगा, यहां भी कुछ ऐसा ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैं याद दिला दूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होगा बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा, तो अब आप इसको लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा, थोड़ा रिस्पेक्टफुली लिख दो, क्या लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा, यहां भी और कॉट स्क्वायर थीटा इस जगह भी। ठीक है, अब मैं इतना ज्यादा इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि बढ़ाओ तो कई लाइन बढ़ जाएंगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो आपको अंडर रूट हटाना है, तो क्या मिला यहां पे, यहां पे सिंपली मिला कॉसेक थीटा प्लस का 1 पहली चीज, डिवाइड में कॉट थीटा मिला। ठीक है, और इस साइड क्या मिला, इस साइड मिला कॉसेक थीटा माइनस 1, अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, मतलब अंडर रूट लेंगे आप तो, और नीचे अंडर रूट लेंगे तो सिर्फ कॉट थीटा मिलेगा, ये स्टेप समझ गए होंगे। ठीक है, हालांकि आप थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करके फिर ऐसा स्टेप लिखना। अब मैं एलसीएम ले रहा हूं कॉट थीटा डायरेक्ट, तो मेरे पास क्या है, क्या बचा है, इस जगह पे कॉसेक थीटा प्लस 1 ही आएगा, क्योंकि नीचे एजिटिस चीज लिखी हुई है, और यहां पे कॉसेक थीटा माइनस 1 ही आएगा।
यहां से प्लस वन और माइनस वन कट गया, ये दोनों कट गए, पूरे में ये कॉट थीटा था, तो क्या बचा मेरे पास, बचा टू कॉसेक थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा। अब अगला स्टेप बहुत सिंपल बहुत प्यारा है, कॉसेक थीटा की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं बताओ आप, समझ गए होगे, मैं लिखने वाला हूं 2 बाय साइन थीटा, ठीक है, और मैं कॉट थीटा की जगह क्या लिखने वाला हूं, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, यही लिखने वाला हूं। अब ये साइन साइन तो बच्चों कट ही जाएंगे, तो बचा क्या, 2 बाय कॉस थीटा बचा, तो ये कौन कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा, क्योंकि आप दोनों साइड पूरा स्टेप लिखते हुए करेंगे। जैसे यहां पे आपने क्या स्टेप किया, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद इन द स्क्वायर रूट बाय कॉसेक थीटा प्लस वन इन फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेप में वही चीज कॉसेक थीटा माइनस वन से करना है, तो ये सब लिखते हुए काम करना है आपको, ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल मैं करवाता हूं। यहां पे ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है और ये जेड है, लेकिन रिजल्ट हमारा पूरा स्क्वायर में है, तो पहला काम तो आप ये करो एक्स का स्क्वायर कर लो, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का सॉरी मल्टीप्लाई में ही है कॉस स्क्वायर फाइव। अगला स्टेप आप वाई स्क्वायर कर लो, तो वाई स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आर का स्क्वायर होगा साथ ही साथ साइन का स्क्वायर होगा साथ ही साथ साइन स्क्वायर फाइव आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जेड का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ है। अब सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ो, तो यदि आप सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ते हो तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा कॉमन। ध्यान से देखो यहां पे इन दोनों को यदि आप ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों में है तो कॉमन मिल जाएगा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन मिला, तो बचा क्या, ऊपर बचा कॉस स्क्वायर फाइव और नीचे वाले स्टेप में बचा साइन स्क्वायर फाइव, और इसी को इसी में आगे मैं जेड को जोड़ दूं, जेड स्क्वायर को जोड़ दूं तो क्या जुड़ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और जुड़ जाएगा, ठीक है, ऑल राइट। यहां पे जेड स्क्वायर भी जोड़ दिया है मैंने, अब यहां पे क्या होने वाला है, देखो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, साइन स्क्वायर फाई है, फाई है ध्यान रखना, ये फाई है ना, देखो ये फाई है, तो ये बेटा फाई है, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई क्या बना देंगे, वन बना देंगे, तो बचा क्या, आर स्क्वायर बचा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इधर बचा, तो ये तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन का, तो आर स्क्वायर इंटू वन कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया, यानी रिजल्ट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल, आर स्क्वायर के इक्वल, तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा पी ए और साथ ही साथ b cot थीटा और a cosec थीटा का सम q है और आपसे डायरेक्ट पूछा है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो डायरेक्ट करो p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर करो, p की वैल्यू रख दो कितनी है, a cot थीटा और प्लस का b cosec थीटा, ये p की वैल्यू है जो आप डायरेक्ट रख दो और इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक। इसी तरीके से q का स्क्वायर मतलब आप डायरेक्ट वैल्यू रख दें किस चीज की, b cot थीटा प्लस का ए कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दें और इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, सीधा सिंपल ये काम किया आपने। अब अगला स्टेप क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी भी होता है ना, तो प्लस का टू इंटू ए कॉट थीटा, ये हो गया a इंटू बी, तो b की जगह b कॉसेक थीटा, ये सिंपल फार्मूला हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का लगा दिया। नीचे भी लगाते हैं, a स्क्वायर यानी b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस साइन में अंदर भेज देता हूं, प्लस प्लस कितना b स्क्वायर और b की जगह यहां पे कितना है a स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस साइन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस माइनस साइन को, कौन से माइनस साइन को, इस वाले को मैंने अंदर भेज दिया, और प्लस टू ए बी तो माइनस मैंने लगा दिया है यहां पे, और सबसे पहले तो टू बी कॉट थीटा और साथ ही साथ ए कॉसेक थीटा। अब एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, यदि आप इन दोनों को देखें तो ये दोनों सेम है, हालांकि ए पहले लिखा है बी बाद में, पर है सेम, यहां बी पहले ए बाद में, तो बचा क्या, इतना बचा, इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा आपने कॉमन लिया तो अंदर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, यहां से आप कॉमन ले सकते हो चाहो तो प्लस का बी स्क्वायर,
तो हालांकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं मिल पाएगा, तो माइनस का कॉमन ले लो फिर। तो माइनस का कॉमन हमने लिया, माइनस का कितना कॉमन लिया, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया। अब यदि माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है तो जहां प्लस साइन था वो माइनस हो जाएगा, जहां माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो ये भी आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी समझ गए होगे आप, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हमें ले लेना है, दोनों में दिख रहा है तो कॉमन ले लेना है। अंदर बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको अगला स्टेप मिलेगा। अब ये प्यारे बच्चों बताओ कि ये फार्मूला पढ़ा है क्या आपने, कुछ याद करो, आपने पढ़ा है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। और यदि ऐसा होता है तो यहां पे हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर भेजना है, तो वन को इधर भेजना पड़ेगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो भाई माइनस का वन होगा। और इस माइनस वन को अंदर भेजो तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे देगा, यानी माइनस को प्लस बना देगा, अंदर भेजोगे जब माइनस वन को तो, और प्लस को माइनस बना देगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोई रिजल्ट दिख रहा है, बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी बड़े प्यारे और इजी क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर है और इस टावर को आपने देखा कहां से देखा, ग्राउंड पर प्लेस्ड एक पॉइंट से देखा जो एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट, तो फुट से कितना है 100 मीटर पे है, यहां से जब आपने देखा तो एलिवेशन आपको दिखा 60 डिग्री का। पढ़ लो आप अच्छे से, आपको टावर की हाइट बतानी है तो 1060 लगाओ ना डायरेक्ट। क्या होता है 1060, 1060 होता है परपेंडिकुलर यानी ए बी डिवाइड बाय बेस यानी 100। ठीक है, 1060 होता है रूट थ्री इंटू 100, ये आ गया ए बी, तो ए बी की वैल्यू आ गई रूट थ्री इंटू 100। रूट थ्री कितना होता है, ये होता है 1.732 इंटू कितना किया है आपने 100। अब ये 100 का इंटू होगा तो ये वाला पॉइंट इस जगह चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 173.2, और ये किस यूनिट में है, मीटर में है, तो ये आपका ए बी आ गया, मतलब टावर की हाइट आ गई, बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसका सोल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, करते हैं, ध्यान दें आप। अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई फ्लैग है, ठीक है, ये फ्लैग स्टैंड कर रहा है, लेट्स से इट इज ए बी, ये एग्जैक्टली 25th जैसा ही क्वेश्चन था। फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस इज 150 मीटर अवे, 150 मीटर अवे एक पॉइंट है जहां से आपने इस फ्लैग के टॉप को देखा तो आपको एलिवेशन 30 डिग्री मिला, ये भी एग्जैक्टली वैसा ही है, आपको फ्लैग स्टेप की हाइट बतानी है, आप 30 डिग्री लगा दो सिंपली, जो कि होता है परपेंडिकुलर यानी ए बी डिवाइड बाय बेस यानी 150 दिया हुआ है, 1030 वन बाय रूट थ्री होता है, तो ये आ गया 150 डिवाइड बाय रूट थ्री, किस चीज की वैल्यू, ए बी की वैल्यू प्यारे बच्चों। अब ऊपर भी रूट थ्री का इंटू करते हैं हम और नीचे भी रूट थ्री का इंटू करते हैं, ये दोनों रूट थ्री मिलकर थ्री बनाएंगे और जब इसे कट करोगे तो ये 50 आ जाएगा, 50 इंटू रूट थ्री यानी 50 इंटू 1.732 कितना आ रहा है, 5 2 10, 5 3 15 और 116, 5 7 30, 5 4 136, 5 1 5 और 3 8 और 1 0 और 50 वाला कितना, 3 डिजिट पे, तो 86.6 आ रहा है जब आप 1.732 को 50 से इंटू कर रहे हो, कोई ऑप्शन दिख रहा है, डी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर, सो सिंपल टू वर्क विद। नेक्स्ट लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ पोल, ये पोल है, लेट से इट इज ए बी, द पोल इज ए बी, फिर आगे क्या बोला है, 15 मीटर दूर जाओ, 15 मीटर दूर गए भाई, ऑल राइट, फिर बोला है कि वहां से देखो इसके टॉप को, पोल के टॉप को कितने डिग्री पे दिख रहा है, 30 डिग्री पे, तो ये पेपर थोड़ा इजी बनाया था मैंने, उम्मीद थी कि कई लोग लाएंगे फुल मार्क्स, पर एक ही बच्चा ला पाया, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में आप लोग और अच्छा करें। 1030 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी ए बी डिवाइड बाय बेस यानी 15, तो ये आ गया 1030 तो 1/√3 होता है, 15 को भी मैंने उसी साइड भेज दिया, 15/√3 आ गया। अब क्या करना है, अब आपको सिंपली ऊपर भी रूट थ्री का इंटू करना है और नीचे भी रूट थ्री का इंटू करना है, ये रूट थ्री मिलकर थ्री बन जाएगा, तो 5 × √3 हो गया। अब मैं आपको याद दिला दूं पुराना, जब 50 × 1/7 किया था 86.660 आया था, 86.6 आया था, यहां पे 8.66 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 50 नहीं है तो एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, तो 8.66 मीटर कहीं दिख रहा है क्या, तो आपको दिख गया होगा ऑप्शन बी, यही आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 150 मीटर,
स्ट्रिंग कितनी है, 150 मीटर है, यानी ये आपको दे दिया है, ये काइट सपोज यहाँ उड़ रही है तो 150 मीटर की आपने स्ट्रिंग यूज की है, ये 150 मीटर आपको दिया है। फिर क्या बोला है, एंगल जो ये बना रही है यहाँ पे वो कितना है, 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है, ये दिया है। पूछा क्या है, द हाइट ऑफ द काइट, आपसे हाइट पूछा गया है, बहुत इजी है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगाना है। क्या दिमाग लगाना है यहाँ पे, साइन 60 लगाना होगा प्यारे बच्चों। क्या होता है साइन 60, साइन 60 होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी डिवाइड बाय 150। और साइन 60 होता क्या है, √3/2 होता है, और इसका इंटू कहां से होगा, 150 के साथ होगा। तो आपके पास बचा क्या, कुछ ऐसा बचा, फिर ये कट जाएगा तो ये आएगा 75, और ये होगा 75 इंटू 1.732, ये इंटू आपको करना पड़ेगा भाई। जब इसको इंटू आप करेंगे, करके देखिए, मैं आप पे छोड़ता हूं, आपको मिलेगा 129.9 एग्जैक्ट, यही मिलेगा। तो ये डी पार्ट आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर के फॉर्म में। नेक्स्ट करते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी लॉजिकल तो ऑब्वियसली है। स्ट्रिंग की लेंथ दी है कितनी, 85 मीटर, स्ट्रिंग की लेंथ देख लें 85 मीटर, ये मैं स्ट्रिंग मान लेता हूं जो कि दिया हुआ है 85। फिर ये जो थीटा दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ना देकर डायरेक्ट हमें टेन थीटा की वैल्यू दिया है, कितना दिया है टेन थीटा की वैल्यू, 15/8, ठीक है, कर लेते हैं। टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर हमें 15 तो नहीं दिया लेकिन 15 का मल्टीपल ही दिया है, के टाइम्स ले लेते हैं। बेस भी हमें एग्जैक्टली नहीं दिया लेकिन 8 पता है ना हमें, 8 मल्टीपल सेम हो जाएगा, के टाइम्स हम कर लेते हैं। अब पी का स्क्वायर यानी 15 के का होल स्क्वायर, और बी का स्क्वायर यानी 8 के का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल कर देना चाहिए हमें, ये हमें 85 के स्क्वायर के इक्वल कर देना चाहिए। अब चलिए, 85 के स्क्वायर की एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, याद आए तो याद करो, नहीं फिर अभी देख लो। 5 का स्क्वायर होता है 25, डायरेक्ट करते हैं 5 का स्क्वायर, और 8 में 1 बढ़ा दो, तो 8 में 1 बढ़ाया 9 हो गया, 8 और 9 का इंटू कर दो, हर केस में यही करते हैं। तो 7225 ये मिल रहा है इधर से हमें 85 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां कितना मिल रहा है ये देखो, 2225 के स्क्वायर मिल रहा है ये, और ये मिल रहा है 64 के स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर करें, ये मिल जाएगा 289 के स्क्वायर, 289 के स्क्वायर, ठीक है, 289 के स्क्वायर, मैं आगे भेज देता हूं, ये मेरे पास 85 का होल स्क्वायर है, और नीचे मैं भेज देता हूं, 289 किसका होता है, 17 का होल स्क्वायर है, यदि मैं अंडर रूट लूंगा तो मुझे के मिल जाएगा 85/17, और 17 5 85 होता है भाई, तो के आ गया 5, और के 5 आ गया तो मुझे परपेंडिकुलर ही तो बताना है, क्या बताना है, हाइट बताना है, यानी ये पी तो बताना है, तो 15 इंटू 5 होगा ना ये, तो 15 इंटू 5 कितना होता है, 15 5 75, कोई ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम करेंगे, तो यहां पे वर्टिकल टावर अब 20 मीटर का है, और यहां पे आपको अ मैन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर नोज दैट कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन दिया है मतलब इस एंगल का इस बार आपको कॉस दिया है, तो इस एंगल का कॉस थीटा दिया हुआ है 0.53। ही इज स्टैंडिंग, आपको पता करना है बीसी की वैल्यू, ये बीसी पता करना है, ठीक है, यानी आपको क्या पता करना है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस पता करना है। तो यहां से मैं एक काम करता हूं, इसे कॉस स्क्वायर थीटा में बदल देता हूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा में बदलूंगा, यानी मैं 0.53 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, 0.53 का मैंने स्क्वायर किया, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। अब हमें क्या पता चल जाए तो मैं बता सकता हूं इस बीसी को, इस बेस को मैं कैसे बता सकता हूं, ये आप बताओ, ठीक है, ये कॉस थीटा हमें दिया है तो कॉस स्क्वायर थीटा मुझे 0.53 का होल स्क्वायर मिल गया। ऐसे ही मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां पे मुझे इस बेस को पाने के लिए क्या करना होगा, इस बेस को पाने के लिए मुझे कॉस साइन दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक, क्योंकि अब मैं यहां पे लगाऊंगा साइन, यदि साइन लगाऊंगा तो मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, ठीक है,
और यदि मैं टैन लगाऊंगा तो मुझे फिर क्या चाहिए, सेक चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। तो यदि ये कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया है तो आप एक काम और कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। तो ये या तो आप टेन स्क्वायर थीटा निकाल लें डायरेक्ट, तो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा 0.53 का होल स्क्वायर है। यदि मैं इस कॉस थीटा को सेक थीटा में बदलूं, सपोज इसको एक और तरीके से मैं करवाता हूं, यदि कॉस थीटा को मैं सेक थीटा में बदल दूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है तो आप यूज कर लो, पेन पेंसिल यूज कर लो, ये सेक थीटा में यदि बदला जाए तो कॉस का रेसिप्रोकल और इसका भी रेसिप्रोकल, तो 1/0.53 यही होगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब यदि सेक थीटा का स्क्वायर चाहिए आपको, इसे मैं लिख सकता हूं 100/53, 100/53, ठीक, इतना लिख सकता हूं। अब यदि सेक स्क्वायर थीटा आप कर दो, और सेक स्क्वायर थीटा 1+10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और -1 कर दो, तो यानी आप क्या कर दो, 100/53 माइनस का 1 कर दो, तो आपको ये क्या मिल गया, ये आपको 10 स्क्वायर थीटा मिल गया। याद रखना प्यारे बच्चों, 10 स्क्वायर थीटा मिल गया, यानी आपको कितना मिल गया, 100 -53/53। ये तो स्टेप समझ गए ना आप, 100 -53 कर लो, 10 में 3 7 और 10 में 6 4, 47/53। ये 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, और 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 20/बेस यानी BC, और इस पूरे का क्या स्क्वायर, समझ गए होंगे स्क्वायर में क्यों कर रहा हूं, और ये आ रहा है 47/53, ये मुझे डायरेक्ट मिल रहा है, ध्यान रखना। अब क्या करना होगा, ये आ रहा है 400, ठीक है, नीचे आ रहा है BC स्क्वायर, ऑल राइट, यहां आ रहा है 47/53। अब कैलकुलेशन जरूर ज्यादा है पर ये टफ इतना नहीं है। अब यहां से हमें BC चाहिए, तो ये यार 400 है, इसी के साथ ऊपर आ जाएगा 53 और ये नीचे क्या आ जाएगा, 47, और यहां क्या बचेगा अपने पास, BC का होल स्क्वायर बचेगा। अब BC चाहिए तो इसका अंडर रूट ले लो, तो इस पूरे का अंडर रूट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन आप करेंगे तो आपको रिजल्ट यहां पे मिलेगा। कितना रिजल्ट मिलेगा आपको, ये एग्जैक्टली आपको क्या मिलता है करके देख लें हम लोग, तो चलिए कर लेते हैं। तो 400 × 53 ये करिए, और फिर 47 का डिवाइड करें, और फिर अंडर रूट ले लें, और बताएं कितना आ रहा है, आप करके देख लें, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स में आ रहा है 12.5, चेक कर लें क्या यही आ रहा है, 12.5 आ रहा है, ये चेक कर लें आप, अप्रॉक्स में आ रहा है या एग्जैक्टली आ रहा है, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, अप्रॉक्स में ही आएगा, ठीक है। हालांकि मैं चाहूं तो इस 40 से बाहर ले सकता हूं, कितना इससे बाहर आ जाएगा, 20, ठीक है, इतना कर सकता हूं। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये होगा 50/47, तो ये 12.5 आ सकता है क्या, ये बताओ पहले आप, 12.5 तो किसी हालत में नहीं आ सकता यार, ठीक है, क्यों, क्योंकि 20 बाहर आ गया, और 50/47 भी 1 से बड़ा आएगा, 50/47 भी 1 से बड़ा आएगा, तो ये तो ऑप्शन आने से रहा, बिल्कुल नहीं आएगा ये। अब ऑप्शन ये भी आने से रहा, तो कुछ काम तो आप ऑप्शन को निग्लेक्ट करके भी कर सकते हो। मैं 12.5 बोल रहा था पर 12.5 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इस ऑप्शन, अब इन दोनों ऑप्शन में हम देखते हैं सी और डी में, तो 53/47 कितना आ रहा है, ये 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, जिसका अंडर रूट भी 1 पॉइंट कुछ ही होगा, तो ये या तो 20.4 आएगा या तो 23.4, इन दोनों में से हमें अब करना है। तो 50/47 का अंडर रूट हम करते हैं, तो कितना आना चाहिए बताएं, 53/47 का अंडर रूट, तो पहले तो इसको पॉइंट में बदलना पड़ेगा, फिर अंडर रूट करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैं अब डायरेक्ट करने का प्रयास करता हूं, और आप कैलकुलेटर का यूज करें, कैलकुलेटर में कर लें, मैं अलाउ कर रहा हूं, मैं भी कैलकुलेटर का यूज करके कर दे रहा हूं इसको। तो 53/47 मैंने कैलकुलेटर में किया है, ध्यान रखना, ये मुझे मिला है, हालांकि अलाउड नहीं है कैलकुलेटर एग्जाम में, तो ऐसे क्रिटिकल वैल्यू आएंगी भी नहीं, ये आ रहा है 1.1276, और इसका आपने क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया, और इसका जब आपने अंडर रूट लिया तो कितना आएगा वो देख लें आप, तो अंडर रूट में 1.127, तो ये अप्रॉक्स में आ रहा है 1.06, और 20 का जब आप 1.06 के अप्रॉक्स इंटू करेंगे, 2 6 12 और
तो ये अप्रॉक्स में आएगा आपका 23.4 आएगा यदि आप पूरा वैल्यू ले लें। आप 1.06 फिर आगे भी है, कितना है 1.0616, फिर आगे भी है 0.3 लिख देता हूं मैं। तो यदि आप इंटू करते हो किसका 1.06061 06106 03 पूरा लेके इंटू करते हो 20 का, तो ये अप्रॉक्स में आपको मिलेगा कितना, चलो मैंने कर दिया है, हालांकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है पर ये क्वेश्चन इतना क्रिटिकल था, तो ये लगभग हमें 1.127 का अंडर रूट, ये भी 1.127 भी एग्जैक्ट थोड़ी ना मैंने निकाला है, ये कितना है 1.127 65957, ये भी पूरा लो फिर, तो ये भी पूरा लो तभी तो सही निकलेगा। हाँ ये भी पूरा लो और ये अंडर रूट ले रहे हो आप, ठीक चलो मैं निकाल ही दे रहा हूं अब। तो अंडर रूट में कितना लिया, अंडर रूट में लिया 1.127 और 65957 65957, ये आ रहा है 1.0691 1.0691, तो 1.07 बोल देता हूँ मैं अप्रॉक्स, ठीक है अप्रॉक्स मैंने 1.07 बोला, तो ये आएगा 2 7 14 और 23.4 करके देखो, यही ऑप्शन मुझे लग रहा है क्योंकि 20.4 तो नहीं आ रहा, तो एक बार मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये कैलकुलेशन आप कर लेना कैलकुलेटर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अब 31 में, अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं। 31 में अपॉइंट पी ऑन लेवल ग्राउंड, ठीक है 30 क्वेश्चन में टेंशन मत लो, कैलकुलेशन ज्यादा है बाकी करके देख लेना आपको, सी तो ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे तो डी ही मिलेगा, एक बार कैलकुलेशन आप देखो अच्छे से, ठीक है यहां से तो 21 पॉइंट कुछ आ रहा है पर ऑप्शन में 23.4 है, करके देख लो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन लेवल ग्राउंड, एक पॉइंट पी है लेवल ग्राउंड पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, टावर को हमने यहां से देखा और हमने ये पाया कि टावर का एलिवेशन 30 डिग्री पर है, तो ये क्वेश्चन और इजी है, हाइट दी है टावर की 100, पूछा है कितना दूर होगा, ये बेस पूछा है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस कब लगता है, टेन 30 डिग्री पे ही तो लगता है, परपेंडिकुलर तो 100 है, बेस हमें पता करना है, कैपिटल बी ही बोल देते हैं, टेन 31 बाय रूट 3 होता है, तो बी आ गया 100 into √3 हो जाएगा, 1.732 लिख देते हैं, 173.2 दिख रहा है कोई ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सो सिंपल टू वर्क विद, इसे करते हैं। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप, फ्लैग स्टेप भी इस पे लगा हुआ है, ठीक। अब क्या बोला है, हाइट कितनी है फ्लैग स्टेप की, 5 है, ये ए लेते हैं, ये बी लेते हैं, ये सी और ये डी, ठीक है। चलिए सॉरी, इट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, पॉइंट लिया है हमने प्लेन पे, चलिए डी पॉइंट ले लिया है, हमने फ्लैग स्टेप के टॉप को भी देखा बॉटम को भी देखा, तो 30 डिग्री कौन मिल रहा है, ये हमें 60 डिग्री मिल रहा है, और जब बॉटम को देख रहे हैं तो 30 डिग्री मिल रहा है, ठीक। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है हाइट ऑफ टावर क्या होनी चाहिए, तो एक बार हम लोग अप्लाई करेंगे, पूरा ट्राइंगल लेंगे, एक बार छोटा वाला लेंगे, चलिए सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं, ए बी डी ले लो। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत कर लिए, मिसलेनियस क्लास में तो मैंने बहुत टफ क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो अब तो लगा ही लोगे आप, तो 30 डिग्री लगा दो, आप छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हो, इसमें थोड़ा और बड़ा पॉइंट और दूर रख लेना तो आपको 30 की फीलिंग आएगी, ये परपेंडिकुलर ए बी और बेस कितना है भाई, बेस है बी डी, 10 31 बाय √3 होता है, तो बी डी की वैल्यू मुझे मिल गई √3 AB, तो बी डी की जगह मैं रख सकता हूं √3 AB, जब भी मुझे लगेगा मैं रख दूंगा, ठीक है। अब कब लगेगा, अब जब मैं बड़ा ट्रायंगल लेता हूं तब मुझे यूज करना पड़ेगा, सी बी डी यहां पे हम यूज कर लेते हैं, क्या होता है 10 60 डिग्री लगाना पड़ेगा, 10 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी पूरा पूरा बी सी यानी 5 + AB, यही यूज होगा, और डिवाइड बाय बेस की जगह मुझे बी डी रखना है, और बी डी की वैल्यू मुझे पता है √3 AB में रख देता हूं, 10 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है, तो √3 into √3 AB 3 AB हो जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट यूज किया है, आप लोग पूरा सिस्टमेटिक करें, अब इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं कि अब आप इतना अलाउ मुझे कर सकते हैं, 3 AB और AB घट जाएगा 2 AB आ जाएगा, 2 AB किसके इक्वल है भाई, 5 के इक्वल है, तो AB क्या होगा 5/2 होगा, क्या होता है 5/2 2.5 होता है,
2.5 मीटर इज द लेंथ ऑफ योर टावर, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसे करते हैं, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल बनाओ 1.2 मीटर इसकी हाइट लो, ये ले लिया हमने, लेट से सी इज ए बी, और यहाँ पे आपने ये बेस बना लिया रेफरेंस, और यहाँ पे आप बैलून ले लो, ठीक है। मूविंग विद विंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, 88.2 पे ये मूव कर रहा है बैलून, ठीक है। यदि ये 1.2 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बैलून की जो हाइट है वो कम हो जाएगी, तो पहले तो 0.2 कम करो तो 88 आएगा, फिर 1 कम करो तो 87 आ जाएगा। इसकी हाइट सी डी और ये ई ले लेते हैं। आगे पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। इनिशियली जब गर्ल ने इसको देखा तो 60 डिग्री पर ये दिखा, ये कहानी है, ठीक। फिर क्या हुआ है, आगे पढ़ो, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 20। फिर ये कहीं बैलून यहां पहुंच गया होगा, इसीलिए एलिवेशन कम होकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये पॉइंट एफ पे पहुंच गया होगा, मान लो बैलून यहां पहुंच गया, तो अब 30 डिग्री हो चुका है एलिवेशन, लेकिन हाइट तो उसकी सेम बनी हुई है, ये हाइट भी सेम है और रेफरेंस यहां से लें तो ये भी कितना है, सेम है, ठीक है, ये 87 ही आएगा आपका हाइट। अब बोला क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, सी एफ बताना है, ठीक है, या फिर आप इसका कुछ नाम दे दें, सी डी जी बताना है, तो सी एफ बोलो या डी जी बोलो एक ही बात है। चलिए निकालते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल है पर करना तो यार पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ट्राइंगल ले लो सी डी बी, सी डी बी ट्राइंगल में 1060 जल्दी से लगाओ, और 1060 जैसे ही आप लगाओगे आपको पता चलेगा परपेंडिकुलर इज 87 और बेस आपको एक्चुअल में निकालना है बी डी। 1060 रूट 3 होता है, तो बी डी हमें मिल गया 87 डिवाइड बाय रूट 3, और यदि मैं ऊपर भी रूट 3 का इंटू करूं, नीचे भी रूट 3 का इंटू करूं, तो ये मुझे मिल जाएगा 3, और 3 से ये मैं काट देता हूं, 3 टू जा 6 और 3 नाइन जा 27, तो बी डी आ गया 29 टाइम्स रूट 3, ठीक है, क्लियर हो गया होगा उम्मीद यही है। अब आगे बढ़ते हैं और ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा अभी कौन सा लिया है, अभी लिया है सी डी और बी, ये ट्राइंगल अभी लिया है। अब ट्राइंगल लेते हैं हम लोग F, G और B, इस ट्राइंगल में क्या लगेगा, 10 30 डिग्री, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1/√3, किसके इक्वल होगा, 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी 87 डिवाइड बाय बेस, बेस में क्या रखना है, BD रखना है और DG रखना है, BD की जगह मैंने निकाल लिया है 29 टाइम्स रूट 3 और DG मुझे चाहिए, DG मुझे नहीं पता है, तो यहां से पता चल जाएगा अगला स्टेप, 29 रूट 3 प्लस डी जी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 87√3 के, 87√3। बस बच्चों यहां से डी जी मिल गया और डी जी ही तो निकालना था, क्या मिल गया, 87√3 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 29√3, तो आप रूट 3 कॉमन ले लो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, 7 में 9 तो 17 में 9 8 आएगा, 8 में 3 5 आएगा, 58√3 मीटर इज योर आंसर, जो कि आपको सी पार्ट में मिल रहा है। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है जो आपने किया है। 34 करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ रॉक फ्रॉम टॉप एंड फुट ऑफ अ 100 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 100 मीटर हाई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से आपने क्या किया, इस रॉक को देखने का प्रयास किया, कहां से देखा, एक बार इसके बॉटम से भी देखा, एक बार इसके टॉप से भी देखा, जब आपने इसके टॉप से देखा तो एलिवेशन ही मिला, बॉटम से देखा तो एलिवेशन ही मिला, क्योंकि दोनों ही केस में आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है, ठीक। तो ये आप मान लो कि ये आपका, हाँ क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ रॉक, ये रॉक है और ये आपका क्या है, एंड फुट फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर, और ये 100 मीटर हाई टावर है और ये आप एज्यूम कर लो सी डी और ये चलिए ई ले लेते हैं, ये आपका रॉक है। पहले हमें कितना मिला, हमें जब ऊपर से देखा ये कितना मिला, फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, टॉप से 45 डिग्री मिला और बॉटम से यानी फुट से 60 डिग्री मिला। तो बस प्यारे बच्चों,
ये 100 पता है तो ये भी 100 होगा, ई डी 100 होगा। एक बार 1045 लगाओ, तो मैं तो नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, ए ई इज इक्वल टू सी। तो पहला रिजल्ट तो मुझे 1045 से मिलेगा, ए ई इज इक्वल टू सी। इतना अब मुझे राइट है यूज करने का, क्योंकि मैंने बहुत काम करवाया है आपको। तो ए ई सी मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। मैं अब डायरेक्ट लगा रहा हूं बड़ा वाला ट्राइंगल यानी सी डी बी में, और ट्राइंगल सी डी बी में मैं क्या लगाने वाला हूं, 1060 डिग्री। ये मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, ये यूज करूंगा मैं, तो सी प्लस डी होगा, सी प्लस डी होगा। और मुझे चाहिए क्या, मुझे हाइट ही चाहिए। मैं यहां पे सी बोल रहा हूं, सी प्लस कितना, प्लस 100 डी यूज कर रहा हूं, डिवाइड बाय मैं कितना यूज करूंगा, डी बी। और डी बी मेरा किसके इक्वल होगा, ए ई के, और ए ई मेरा किसके इक्वल होगा, सी के। तो यहां पे आपका डी बी और ए ई सी के इक्वल होगा। मैं सी रख दूं डायरेक्ट, आप अगले स्टेप में रख देना, 1060 डिग्री √3 होता है, तो √3 टाइम सी। फिर ये सी इधर आएगा, मैं इधर लिख देता हूं डायरेक्ट, मैं कर देता हूं इक्वल टू 100 है, ठीक है। अब यहां से सी कॉमन लिया, √3 - 1, ये आ जाएगा 0.732, क्योंकि √3 होता है 1.732, और उसमें किसका इंटू होगा, उसमें इंटू होगा -1 का, सॉरी उसमें सब्ट्रैक्ट होगा -1। तो 100 डिवाइड बाय 0.732। अब एक काम किया जाए, √3 - 1 है ना ये, तो मैं तो ये कहता हूं कि अभी आप कुछ मत करो, √3 - 1 ही रहने दो, अभी √3 - 1 ही रहने दो, फिर देखते हैं रेस्टलाइज करने के बाद। तो अब रेस्टलाइज किया तो ऊपर √3 + 1 और नीचे √3 + 1, रेस्टलाइज कर लेते हैं। ये रेस्टलाइज होकर कितना आएगा आप ये बता दो, ए का स्क्वायर यानी √3² - 1 यानी 3 - 1 2 आ गया, 2 कितनी बार कटेगा, 50 टाइम्स, ठीक है। इतना लिख दिया मैंने, अब ये वाला स्टेप आप मेरे साथ कर दो जल्दी से, √3 1.732 + 1 2.732, 5 2 = 10, 5 3 = 15 और 116, 5 7 = 30, 5 4 = 136, 5 2 = 10 और 3 और 1 0 और कितना पॉइंट, 3 पे पॉइंट, ठीक है। तो 136.6 आ रहा है ये, ठीक है। 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 3 = 15, यार 15 ही तो है, तो एग्जैक्ट ही आ रहा है ये, 5 3 = 15 हुआ है ना, मैं क्या क्या बोल दिया था मैंने, ठीक है, 5 3 = 15 हो गया यहाँ पे, 136.50 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक, समझ गए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं और जल्दी करते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस से हमने देखने का प्रयास किया, क्या देखा, 100 मीटर हाई लाइट हाउस है, ये देखा नहीं, ये हमें पता है। अब यहां से हमने देखा क्या वो समझो आप, हमने दो सिप को देखा, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ अ सिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड, सिप को देखा, एक ही सिप को देखा, लेकिन पहले उसको देखा तो हमने पाया कि भाई ये 30 डिग्री पे है, लेकिन ये सिप घूमते घूमते डी पॉइंट पे ऐसे पहुंच गई कि अब हमने उसका एंगल मिलने लग गया 45 डिग्री। तो एक बात क्लियर कर लो कि 45 मिलेगा तो ए बी बी डी इक्वल होंगे, मैं इसको डायरेक्ट 100 लिख रहा हूं, हालांकि आपको ट्राइंगल ए बी डी लेना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 30 डिग्री भी मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, 1 by √3 होगा, और जैसे ही 10 30 डिग्री लगाओगे तो ऊपर आएगा 100 और नीचे आएगा 100 + CD, और आपसे यही पूछा है कि डिस्टेंस कितनी सिप ने ट्रेवल की। तो क्वेश्चन मैंने बहुत इजी डाले थे, लेकिन ये तभी आप कर पाओगे जब पूरा पढ़ के रखा है। इजी इसलिए डाला था कि एक कॉन्फिडेंस भी आपको मिले, और आप पूरा रिवाइज करके आए हो तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो आपने किया, अच्छा काम किया, मुझे अच्छा लगा है। इसका आंसर भी आपके पास अब आ चुका है, 100 √3 - 1 यानी 1.73 - 1, मैं 0.732 लिख देता हूं, दो पॉइंट और शिफ्ट कर दो, 73.2 ये आ गया मीटर में, एग्जैक्ट नहीं दिया है तो 73 मीटर अप्रॉक्स हमारा आंसर है। तो इस तरीके से टेस्ट का मैंने पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। थोड़ा आप कहोगे कि इतना ज्यादा डिटेल में नहीं कराया, लेकिन मैंने पूरे हिंट दिए हैं आपको। यहां भी आप दो ट्राइंगल लोगे, ध्यान रखो, एक बार लोगे ट्राइंगल ए डी बी, जहां पे आप 1045 लगा के ए बी और बी डी को इक्वल बोलोगे, फिर दोबारा आप लोगे कौन सा ट्राइंगल जिसमें 1030 दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, और उसमें 1030 लगाओगे, तो पूरा रिस्पेक्टफुली और पूरा डिटेल से आप एक बार सोल्यूशन को करके रखो, और जितना भी आपको अभी तक पढ़ा दिया गया अच्छे से करते रखो, करते रहो। तो अब तक हम लोगों ने चैप्टर 8 चैप्टर 9 डिटेल से एनालाइज कर लिया है, बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, और जिन पर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन सबको आप रिवाइज भी कर चुके हो, क्योंकि इस टेस्ट को देने से पहले आपने रिवीजन भी कर लिया है, और अब हमने सर्कल चैप्टर बिगिन भी कर दिया है। तो सर्कल चैप्टर्स
पे भी आप काम करें। सर्कल चैप्टर पे मैं एक ही टेस्ट रखूंगा जिस पे आपको अच्छा परफॉर्म करना है, छोटा चैप्टर है, इस वीक में मैं सर्कल चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। साथ ही साथ फिजिक्स में भी आप काम कर रहे हो मेरे साथ, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हैं, उसको भी आप डिटेल से एनालाइज करो। तो जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं इनको आप मेरे साथ पढ़ते रहो, बहुत ज़्यादा बर्डन हमें नहीं लेना है, पर हमें साथ ही साथ काम करते चलना है। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे मैंने सजेशन देना चाहा जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, एंड करता हूँ मैं क्लासेस अब। थैंक यू क्लास।